करेंगे काल पर्सन कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे हमें रोल नंबर दिया है और इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स से मार्क्स दिए। तो इकोनॉमिक्स के मार्क्स को हम एक्स कंसिडर करेंगे एंड स्टैटिस्टिक के वाई कंसिडर करेंगे। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला ये निकलने का, फॉर्मूला है आर एक्स वाई इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर। तो हमें एक टेबल बनाना होगा इसकी वैल्यूज निकालने के लिए। फर्स्ट हम क्या करेंगे, मीन फाइंड कर लेंगे, मतलब एक्स मीन फाइंड करेंगे एंड देन वाई मीन फाइंड करेंगे। तो एक्स मीन फाइंड कैसे करेंगे, इन सब हमने इसको एक्स कंसिडर किया है, इसको वाई कंसिडर किया है, तो क्या करेंगे, इन सब के एडिशन करेंगे और हमारे नंबर ऑफ जितने इनपुट्स है उसको उस नंबर से डिवाइड कर लेंगे। तो ये सबके एडिशन डिवाइडेड बाई 10 और यहाँ भी सेम। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, तो समेशन एक्स अपॉन एन देन समेशन वाई अपॉन एन, तो ये आया 650 अपॉन 10 इक्वल टू 65 एंड 660 अपॉन 10 इक्वल टू 66। तो एक्स मीन आया हमारा 65, वाई मीन आया 66। अभी हम एक टेबल निकालेंगे। तो हमने एक्स वाई एक टेबल निकाल लिया, हमें एक्स की वैल्यूज वाई की वैल्यूज देन ये एक्स हमारे इक्वेशन। तो ये एक्स है, ये हमारे हमारा जो फॉर्मूला है उसमें इसकी वैल्यूज लगेगी। तो ये एक्स इसको कैसे निकालते हैं, हमारा जो गिवन है और हमने जो मीन निकाला है वो उसमें से माइनस करना है हमें। वाई का भी सेम, जो हमारा वाई गिवन है और वाई मीन इसमें से माइनस करना है। तो ये इस दोनों की वैल्यूज हम निकाल लेते हैं। तो एक्स की वैल्यूज हमने निकाल ली 78 और हमारा एक्स मीन था 65। तो क्या करेंगे, 78 में से 65 माइनस किया 13 बचा, 36 में से 65 माइनस किया -29 बचा। इसी तरह से ये वैल्यूज निकाल ली और 84 से 66 माइनस करने के बाद वाई की वैल्यू आई। तो इस तरह से ये सब वैल्यूज निकाल ली हमने। अभी हम निकालेंगे एक्स इंटू वाई की वैल्यूज, मतलब 13 × 18 -29 × -15 देन 33 × 25 ऐसी वैल्यूज सब निकाल लेंगे। ये एक्स इंटू वाई की वैल्यू देन एक्स स्क्वेयर निकालेंगे, मतलब 13 का स्क्वेयर 169 ऐसे एक्स स्क्वेयर निकाल लेंगे एंड 18 के स्क्वेयर 324 ऐसे वाई के स्क्वेयर ये सब निकाल लेंगे। अब हमने ये सब वैल्यूज निकाल ली, ये टेबल हमें एग्जाम में ड्रॉ करना है। अभी क्या करेंगे, हमारे फॉर्मूले के लिए लग रहा है समेशन ऑफ एक्स वाई, समेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर एंड समेशन ऑफ वाई स्क्वेयर। तो ये जो वैल्यूज है तो वो हम इसके एडिशन कर लेंगे। तो क्या हमने ये सब समेशंस वैल्यू निकाल ली। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, आर एक्स वाई इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन इन रूट एक्स स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर। तो वैल्यूज हम पुट कर लेंगे 2704 अपॉन इन रूट 5398 इंटू 2224। तो ये वैल्यूज हम कैल्सियम में डाल के निकाल लेंगे। तो हमारा फाइनल आंसर आया 0.78। तो ये एग्जांपल सॉल्व हो गया।